कई बार ऐसा होता है कि डिनर करने के बाद कुछ रोटियां बच जाती हैं जिसे हम अपने पेट्स को दे देते हैं या फिर स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को दे देते हैं, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो इसे फेंक देते हैं। बट गाइस, आप शायद इनके फ़ायदे से या फिर इनसे होने वाले फ़ायदे से आप अनजान हो तभी ऐसा करते हो, लेकिन अगर आज आपकी वीडियो आज देख लेते हो तो शायद आप ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। तो गाइज, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इन बासी रोटी के कौन से फ़ायदे तो, और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वे से इसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाय गाइज, मैं रंजीता नहीं हूँ वॉचिंग ग्राउंड इश्यूज़। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बासी रोटी बची हुई रोटियों को कैसे यूज़ करें और इसके कितने फ़ायदे होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सको। गाइज, समटाइम्स नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम रोटी खाते हैं, रात को रोटी बच जाती है जिसे हम फेंक देते हैं, कुत्तों को दे देते हैं या फिर उसका यूज़ नहीं करते। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसके कितने फ़ायदे और हम इसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। गेहूं की बासी रोटी काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। जी हाँ, ये रोटियाँ काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। जनरली ये कहा जाता है कि ताज़ा भोजन करना चाहिए, फ्रेश करना चाहिए, गर्मा गर्म भोजन करना चाहिए। जी हाँ, हम सभी मानते करना चाहिए, बट गेहूं वाली रोटियों की तो बात ही कुछ और होती है। ये तो पहले तो ताज़ी होती ही है, न्यूट्रिशियस तो होती ही है, बट इसके बनने के बाद 8-10 घंटे के बाद इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाती है। शायद इसी की वजह से पहले के लोग रात को ही रोटियाँ बना कर रख देते थे, जिन्हें मॉर्निंग में बनाने में तकलीफ होती थी वो रात को ही बनाकर रख देते और उसे मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट यूज़ करते थे एंड फिट रहते थे। आप देखोगे पहले के लोग कितने फिट रहते थे, उनकी कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं होती थी। एंड आज भी कई गांवों में ऐसा होता है कि रात को ही बनाकर रख दिया जाता है एंड मॉर्निंग को वो यूज़ करते हैं। और इस बात से तो अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर भी एग्री करते हैं कि आपकी गेहूँ की बनी रोटियाँ बासी, न्यूट्रिशन के मामले में ये बासी नहीं होती और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, जो कि आपको आपके ताज़े बने हुए पोहे और ओट्स के कंपैरिजन में इनकी बासी रोटियों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है काफ़ी अधिक होती है। और अगर आप रात की बची हुई बासी रोटियों को सुबह मॉर्निंग में गुनगुने दूध के साथ खाते हो तो इससे आपकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होती है एंड इससे आपका पेट तो साफ होता ही है, साथ साथ आपको काफ़ी न्यूट्रिशंस भी आपकी बॉडी को मिलता है, जिससे आप काफ़ी हेल्दी रहते हो और आपकी बॉडी भी काफ़ी मजबूत बनती है। वैसे तो अगर आप इसे कंटिन्यू करते हो, डेली रूटीन में आप इसे खाते हो, तो आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो भी कंट्रोल में रहता है और कंट्रोल में आ जाता है और काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। वैसे अगर आप ठंडे दूध के साथ इस रोटी को खाते हो तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो काफ़ी बढ़ जाता है, बट ठंडे के दिनों में आप गुनगुने रोटी से भी खाकर भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। एंड अगर आपको और इसे टेस्टी बनाना है तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो, साथ में शुगर नहीं खाना चाहते आप इसमें जैगरी ऐड कर सकते हो, जिससे इसकी और भी जो टेस्ट होगा वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा और आप इसे अच्छे से खा सकोगे। अगर आप रात की रखी हुई इस गेहूँ की रोटी को दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ खाते हो तो आपका जो भूख होता है वो भी काफ़ी बैलेंस्ड हो जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में को काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे आपकी मसल्स बोन्स काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। जब इतने सारे फ़ायदे आप बॉडी को मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन होगी वो ग्लो करेगी, आपके जो सेल्स होंगे वो काफ़ी मजबूत होंगे और स्किन बॉडी आपकी काफ़ी हेल्दी रहेगी एंड स्किन वगैरह तो आपको ऐसे ही ग्लो करने वाला है। अगर पर ध्यान रखिए कि आप जब भी से खाए तो 10 मिनट खाने से 10 मिनट पहले आप रोटी के टुकड़ों को दूध में भिगोकर रख दें एंड देन उसके बाद ही इसे खाएं। कभी आपने सोचा है कि आप इस बची हुई रोटी से अपना फेस पैक भी बना सकते हो, वो भी बहुत ही इफेक्टिव वाला। जी हाँ, आप इसके ज़रिए आप एक अच्छा सा फेस पैक भी बना सकते हो, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, अगर आप इसका इफेक्ट आपको पहले यूज़ में ही आपको पता चल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे आप कैसे बना सकते हो। और साथ में ये भी बता दूँ कि अगर इस पैक आप हमेशा रेगुलर यूज़ करते हो तो आपके फेस में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं बढ़ते एज के साथ, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं वो भी धीरे 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 आपकी स्किन से गायब हो जाएगी। तो ये है जादुई फेस पैक, तो इसे अप्लाई करना तो बनता है। तो क्या जान लेते हैं कि इसे फेस पैक को कैसे बनाते हो। सबसे पहले आप रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर मिक्सी जार में डाल लें एंड उसे ब्लेंड कर अच्छे से उसका चूरा बना लें एंड उसके बाद 1 स्पून आप उसमें शहद ऐड करें एंड उसमें शुगर भी ऐड करना है आपको एंड गुलाब जल मिलाकर इसको अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लें एंड उसे 25 मिनट्स तक अपने फेस में अप्लाई करके रखें। देन उसके बाद अच्छे से पानी से साफ अच्छी ढंग से वॉश कर ले। देन उसके बाद आपके चेहरे में जो निखार आएगा उसे देखकर आप खुद दंग हो जाओगे, आपका चेहरा
इतना ग्लो करेगा कि आप बस खुश हो जाओगे। इसके थ्रू आप फेस स्क्रब भी बना सकते हो। अगर आप हर्बल फेस स्क्रब की तलाश में हो तो आपके पास का सॉल्यूशन आपके घर में ही है, जिसे आप फेंकने वाले थे उसी रोटी से आप अपना अच्छा खासा बहुत ही नेचुरल सा, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, ऐसा स्क्रब बना सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे कैसे, फेस स्क्रब कैसे बनाते हो। सबसे पहले रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें एंड उसका चूरा बना लें। उसमें आप एक चम्मच शुगर डालें एंड हाफ कप कॉफ़ी डाल लें एंड 1 स्पून आप ऑलिव ऑयल मिक्स करें एंड कोकोनट ऑयल भी आप मिक्स कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप जो कोई सा भी ऑलिव ऑयल डाल सकते हो या फिर कोकोनट ऑयल डाल लें। देन उसके बाद इसका स्क्रब बना लें अच्छे से। उसके बाद अपने फेस में अप्लाई करें एंड 4 मिनट तक इसे अपने आप को फेस में रखना है। एंड उसके बाद हल्के हाथों से इसे स्क्रब कर अच्छे ठंडे पानी से अच्छे वॉश कर ले। देन उसके बाद आपका चेहरा ऐसे ग्लो करेगा कि आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे, और इसे बार बार बनाओगे और बार बार यूज़ करोगे। तो गाइस देखा आपने बासी रोटी के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसे गर्मी के दिनों में भी खाते हो, दूध ठंडे दूध के साथ इसे खाते हो, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है एंड आपका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो देखा गाइस आपने कितने सारे फ़ायदे हैं बासी रोटी के, आप इसे मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो और इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। आई होप ये सारे बेनिफिट्स जानने के बाद आप इसे फेंकने की गलती दोबारा नहीं करोगे एंड इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल न भूले एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।